नमस्कार जूले, आज मेरे 15वें दिन का अनशन अंत हो रहा है। यूँ तो मेरी सेहत ठीक है डॉक्टर के मुताबिक, मगर आज मुझे काफ़ी ऊर्जा की कमी का महसूस हो रहा है और कल डॉक्टर मेरे खून की जांच करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि इस अनशन के 15 दिन में यहाँ मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े जिन्होंने 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कुछ तो 10 दिन तक रहे, मगर एक वीर जवान मेरे साथ पहले दिन से ही, यानी कि आज उनका भी 15वां दिन ख़त्म हो रहा है और मैं आपसे उनका परिचय आज कराना चाहता था। वे हैं लद्दाख के जो सैनिक बल है, लद्दाख स्काउट्स, उसके एक वीर जवान रिटायर्ड सूबेदार स्तनबा, जो मेरे साथ यहाँ बिस्तर पर हैं। मैं आज आपका उनसे परिचय कराना चाहता हूँ। नमस्ते जी। हाँ, मैं तकरीबन 30 साल भारतीय सेना में रह के पूरा भारतीय देश का रक्षा करने के बाद अभी मैं हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। तो अभी उसके बाद हमारा पूरा लद्दाख के लोगों का 2 मुख्य मांग थे, हेतु 4 था लेकिन उनसे 2 मुख्य मांग थे। और 4 मार्च को पूरा लद्दाख के लोगों का इतना बड़ी उम्मीद थी कि हमारा गृह मंत्री जी और भारत सरकार हमारा जो मांग को पूरा करे करके, लेकिन ये अपने उस पर नहीं उतर पाया, तो इसकी वजह से बहुत दुख हुआ और बहुत लद्दाख के लोगों को, सारे लद्दाख के लोगों को अपने दिल में ठेस पहुँचा है। फिर हमें भी बहुत नाराज़गी हुआ है कि हमने इतना देश को रक्षा किया और भारतीय लद्दाख की जितना भी जनता है हर जंग में, हर युद्ध में बिल्कुल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साजो सामान ढोने के लिए सहायता किया। तो फिर भी हम लद्दाख के साथ इस तरीके से बर्ताव हो रहा करके फिर हमें बहुत अफसोस हुआ है और बहुत दुख हुआ है। तो इसीलिए फिर मैं सोना माचुक सर के साथ अनशन में रहने का तैयारी किया और ये मैंने ठान लिया कि जब तक ये हमें हमारा मांगे पूरा नहीं होगा, चाहे हमारा जान भी चला जाए, तो हम यहाँ पे हमारा अनशन रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूबेदार रिटायर्ड स्तनबा 1999 में कारगिल युद्ध में बहुत ही सक्रिय लड़ाकू रहे हैं और इनके साथ बहुत से भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आते रहे हैं। शुरू से अगर देखें तो 500 से 1000 तक यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक बहुत ही जज्बे से अनशन पर बैठे हैं। इन सब का दिल का जो ठेस बोल रहे हैं वो ये है कि सरकार ने खुद वादे किए, अगर नहीं निभाना था तो वादे किए क्यों, अगर वादे किए तो फिर निभाएं क्यों ना। तो ये जो वादा करके मुकर जाना और कुछ जवाब, कुछ कारण भी नहीं बताना, ये लोगों के दिल को बहुत सता रहा है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी, और वो भी इस सरकार से जो कि हमेशा सच के रास्ते पे चलने के बात करते हैं। तो ये हम सब का बहुत ही दिल के चिंता का विषय बना हुआ है। अब मैं आपको लद्दाख स्काउट्स के बारे में बताऊं। आप लोगों ने शायद ज़्यादा नहीं सुना हो, लद्दाख स्काउट्स एक इंडियन आर्मी का बहुत ही एलीट, बहुत ही काबिल सैनिक दस्ता है, जो शायद 5-7 हज़ार का ही है, मगर इन पहाड़ों में ये सबसे असरदार सैनिक है, क्योंकि यहाँ इसके सैनिक जो हैं वो यहीं पे पैदा और पले बड़े होते हैं। तो ये बिल्कुल आइबेक्स की तरह पहाड़ों पे दौड़ते हैं, जहाँ औरों के लिए चलना तक मुश्किल हो जाता है, अपना बंदूक उठाना मुश्किल हो जाता है, वो दौड़ते हैं औरों का भी सामान ढो के। तो मैं आपको बताऊं उनके जो पुरस्कारों का, बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही पुरस्कारों से सुसज्जित सैनिक दस्ता है ये। भारत के इस सबसे छोटे रेजिमेंट में आप देखेंगे कि अशोक चक्र 1 हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल 4 हैं, उत्तम युद्ध सेवा मेडल 1 हैं, महावीर चक्र 9 हैं, बार महावीर चक्र 1 हैं, कीर्ति चक्र 2 हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल 5 हैं, वीर चक्र 26 हैं, शौर्य चक्र 6 हैं, युद्ध सेवा मेडल 4 और सेना मेडल 84। तो इस तरह लद्दाख की जनता जो हर युद्ध में काम आई है और फिर इतने सारे भूतपूर्व सैनिकों का
मन दुखाना ये भारत की सुरक्षा के लिए भी अच्छा ना होगा। मेरी उम्मीद है, अपील है भारत सरकार से कि वो जितना जल्दी हो सके लद्दाख को ये संरक्षण छठवें शेड्यूल में दें, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।